नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत को वर्ल्ड मीडिया ने नरेंद्र मोदी पर जनता के विश्वास का नतीजा बताया है। ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने लिखा है कि मोदी की भाजपा ने फिर कमाल किया। अमेरिका के द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि मोदी मजबूत छवि के कारण जीते हैं। भाजपा के इस बड़े नेता को रोकना विपक्ष के लिए मुश्किल हुआ। पाकिस्तान के द डॉन ने लिखा, मोदी की ये जीत पाक विरोधी नीति पर मुहर है। वहीं द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा, कुछ महीने जब मोदी आर्थिक मोर्चे पर संघर्ष कर रहे थे तब जो नतीजे विश्लेषकों ने सोचे थे, ये जीत उससे कई ज्यादा प्रभावी होगी। हिंदू राष्ट्रवाद की राजनीति के ब्रांड बन चुके मोदी ने पूरी दुनिया में भारत की जो मजबूत छवि पेश करने की कोशिश की थी, उसने देश के 91 करोड़ मतदाताओं को पूरी तरह प्रभावित किया है। मोदी को व्यापार के लिए भी बेहतर माना गया है। उन्होंने टैक्स व्यवस्था को सरल किया और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई। एशिया में भारत का स्टॉक मार्केट एक संभावनाओं वाली जगह है, जबकि अमेरिका के साथ ट्रेड वॉर के चलते चीन के शेयरों को नुकसान उठाना पड़ा। द गार्डियन ने लिखा, एग्जिट पोल में जो नतीजे दिखाए गए वही सच साबित हुए। मोदी जी भाजपा सत्ता में वापसी के लिए तैयार है। उनको रोकने की तमाम कोशिशें हुई हैं, लेकिन जनता ने इस कद्दावर नेता और उसकी पार्टी में भरोसा बरकरार रखा। वहीं बीबीसी वर्ल्ड ने कहा, लोकसभा चुनाव में मोदी की ऐतिहासिक जीत हुई। रुझान सामने आते ही भारत के स्टॉक मार्केट में उछाल आ गया। मोदी पर भारत को बांटने के आरोप लगे, लेकिन नतीजे दिखा रहे हैं कि उनकी ध्रुवीकरण वाली छवि को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया। पाकिस्तान के एक चैनल जियो टीवी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा, मोदी चुनाव प्रचार की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में कुछ राज्य में हार और महंगाई बेरोजगारी पर गुस्से के चलते दबाव में। हालांकि पुलवामा हमले के बाद यह अभियान भारत के परमाणु शक्ति संपन्न पड़ोसी पाकिस्तान के साथ रिश्तों की ओर मुड़ गया। इससे भाजपा को फायदा हुआ। भाजपा ने बेहद प्रभावी कैंपेनर मोदी की स्टार पावर का फायदा उठाया। भाजपा की चुनावी मशीनरी भी जमीनी स्तर पर ज्यादा प्रभावी थी। वहीं पाकिस्तान के एक और अखबार द डॉन ने लिखा, मोदी 2-0 से आगे दिख रहे हैं। मतलब ये कि पाकिस्तान के प्रति भाजपा की नीति नहीं बदलेगी और दोनों देशों में तनाव भी कम नहीं होगा। सवाल ये भी है कि क्या मोदी इमरान खान के शांति प्रस्ताव को तवज्जो देंगे। इसी तरह की न्यूज अपडेट्स में बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।